लेट मी नो प्लीज आइदर ऑडियो वीडियो क्लियर लाइव स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून. बच्चों बात करते हैं हम CMSL की, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस. एक तरफ हमने मार्केट की बात करी है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस. लॉस मतलब बहुत सारे लॉस हैं जो कि सिक्योरिटी मार्केट पे एप्लीकेबल होते हैं. जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट पे जाने से पहले हमें फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, तब हम कैपिटल मार्केट पे आते हैं. फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है, इसके ऊपर मैंने बेसिक क्लास CMSL की ले रखी है जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम समझाया है, लेकिन फिर भी मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बैकअप दे रही हूँ. फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर जिसको पैसे की ज़रूरत है उस तक पैसा पहुँचाना और जिसके पास एक्सेस फंड्स हैं उससे पैसा लेना. इट मीन्स दो सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है आपका बिजनेस सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर तक फंड पहुंचाने का जो सिस्टम होता है, इसका मतलब सही व्यक्ति के पास, सही ऑर्गेनाइजेशन, सही बिजनेसमैन के पास पैसा पहुंचना, जो एक सिस्टमेटिक वर्क करता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंस जिसके पास ज्यादा है और जिसको जरूरत है उस तक पहुंचना इज नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम. सिस्टम शब्द आप आज नहीं सुन रहे, सिस्टम शब्द आपने आज से पहले बहुत बार सुना है. यूनिवर्स इज अ सिस्टम, डाइजेस्टिव इज अ सिस्टम, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो सिस्टम शब्द कोई पहला नहीं है, सिस्टम बहुत बार आपने सुना है. लेकिन मुद्दा उठता है कि फाइनेंशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम जिस भी कंट्री का जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतनी ज़्यादा उस कंट्री की प्रोग्रेस होती है. रीज़न इज़ वेरी क्लियर, एक बिजनेसमैन है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसे टाइमली अगर पैसा नहीं मिल रहा तो वो अपना बिजनेस फ्लो नहीं कर सकता. अगर एक इन्वेस्टर है, उसके पास एक्सेस फंड है, लेकिन वो पैसा, उसको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, उसको रिटर्न नहीं मिल रही, तो उसके पैसे का भी कोई फायदा नहीं है. मुद्दा ये उठता है कि जब पैसे की बात आती है तो पैसे में बड़ा लफड़ा है. जब भी कभी किसी को पैसा देते हैं, सरकार का क्या रोल है, मैं बहुत आम भाषा में समझा रही हूँ, सरकार का क्या रोल है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, अब उससे आप बिजनेस सेक्टर को पैसा दिलवा रहे हो कैसे. उसके तीन पिलर होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, एक होती है फाइनेंशियल मार्केट, एक होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट और एक होता है इंटरमीडियरीज. जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो भी दो प्रकार की होती है. फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल, सॉरी, एक होती है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट होती है. कैपिटल मार्केट भी दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. आर यू गॉट द पॉइंट? यहां जो चैप्टर का नाम है वो है सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, कि सेकेंडरी मार्केट क्या है. तो हमने कहा कि भैया मुद्दा ये उठता है कि मान के चलो एक्स लिमिटेड कंपनी है और वो लोगों से फंड रेज करना चाहती है, तो उसके फंड रेज करने के दो रास्ते हैं, या तो ऑनर्स फंड है, बोरोड फंड है. सपोज कंपनी ने शेयर इशू कर भी दिए और आपने शेयर ले भी लिए, तो ये आप तक कैसे पता चले कि कंपनी सही दिशा में जा रही है? कंपनी ने जो हमसे पैसा लिया वो उसी प्रोजेक्ट में लगा रही है जो प्रोजेक्ट दिखा के लिया? कंपनी जो पैसा इकट्ठा कर रही है उसका सही इस्तेमाल कर रही है नहीं कर रही है? साइफनिंग ऑफ फंड्स तो नहीं है? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स तो नहीं है? फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तो नहीं है? विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है? झूठ तो नहीं बोला जा रहा? जो अकाउंट्स पेश किए जा रहे हैं उसमें घपला तो नहीं है? कंपनी दिखा, एक होता है ना हाथी के दांत, दिखाने के अलग है और खाने के अलग है, ऐसे तो नहीं झूठ बोल के अकाउंट्स में दिखाए जा रहे ह्यूज प्रॉफिट्स और एक्चुअलिटी में कुछ भी नहीं है? क्योंकि जो इन्वेस्टर बाहर बैठा है, जिसने कंपनी को पैसा दिया है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए. क्योंकि अगर एक कंपनी किसी से पैसा ले लेगी और इन फ्यूचर उसने रिटर्न नहीं दिया, तो उसका सबक लेके आगे कोई भी पैसा कंपनी को नहीं देगा. तो गवर्नमेंट का काम है कंट्रोल लगाना, गवर्नमेंट का काम है नियम बनाना, गवर्नमेंट का काम है कंपनी को नियम एप्लीकेबल करना. पैसा लेना है कि लेना है तो कानून का पालन करना पड़ेगा. इस चीज की एक होती है प्राइमरी मार्केट, दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट. मैंने कहा प्राइमरी मार्केट जो होती है वो मार्केट होती है जिसमें कंपनी का और इन्वेस्टर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है. कंपनी शेयर इशू करती है और इन्वेस्टर शेयर परचेज करता है. जहां आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल.
सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म के थ्रू चलती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू चलती है, वहां पे जो प्राइस डिसाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, जिसकी जैसी डिमांड उसके वैसे ही प्राइस। लेकिन यहां भी कई बार घपला होता है, स्टॉक एक्सचेंज में भी घपला होता है, कंपनी खुद ही अपने आप सेल्फ ट्रेडिंग कर रही है, झूठी फेक ट्रेडिंग करवा रही है, फेक ट्रेडिंग करवा रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है तो शेयर की बहुत डिमांड है तो प्राइस शूट अप हो जाते हैं, प्राइस शूट अप हो जाते हैं तो बाद में पता चलता है तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने खुद ही ट्रेडिंग करवाई, आपने जब शूट अप हुआ तो 1500 का शेयर खरीद लिया, एक्चुअल में पता चले तो झूठी ट्रेडिंग चल रही थी, शेयर की एक्चुअल वैल्यू 300 रुपये है, सामने वाले के 1300 रुपये का नुकसान हो गया, 1200 का नुकसान हो गया। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, होती हैं रोकने के लिए, क्योंकि फाइनली लॉस तो इन्वेस्टर को ही है। जितने ज़्यादा डिस्क्लोजर्स होंगे, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतने कम फ्रॉड होंगे। जितने मल्टीपल आपकी कंपनी के पार्ट पे रिक्वायरमेंट्स होंगे डिस्क्लोज करने की, फाइलिंग करने की, एनुअल रिपोर्ट की, या एक्स वाई जेड सो मेनी थिंग्स आर देयर, जितना ज़्यादा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी उतने कम फ्रॉड होंगे। तो सेकेंडरी मार्केट के लिए यहाँ पे जो रोल है वो सेबी का बहुत बड़ा रोल है, और सेबी ने अपने अलग अलग रेगुलेशंस बना रखे हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट को ही रन करते हैं। जैसे मान के चलो कंपनी को फंड रेज करना है, कैपिटल इशू करनी है, कैपिटल क्या करनी है, तो उन्होंने कहा तुम्हें कैपिटल इशू करनी है, कि हाँ जी हमें तो कैपिटल इशू करनी है, कि कैपिटल इशू करने के लिए रेगुलेशंस हैं, कि रेगुलेशंस है, कि हाँ बिल्कुल रेगुलेशन है, कि कौन से ICDR रेगुलेशंस, कौन से रेगुलेशन बताए मैंने, ICDR रेगुलेशन, कि आप कैपिटल इशू तो कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्या करने पड़ेंगे, रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। कि कौन से रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया ICDR रेगुलेशंस, दिखाती हूँ आपको, कि हमें कैपिटल इशू करनी है। अब एक बात बताओ, क्या हर कंपनी को बोल दिया जाए कि जाओ तुम कैपिटल इशू कर लो, शेयर इशू कर लो, कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का टर्नओवर, कंपनी का एवरेज प्रॉफिट, ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं, और उसके बाद अगर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है, देन ओनली दैट कंपनी इज एलिजिबल टू इशू शेयर्स टू द मार्केट। चेक एंड बैलेंस लगा दिया। अगर कंपनी की वर्थ ही नहीं है, कंपनी का पोटेंशियल ही नहीं है, कंपनी की कैपेसिटी ही नहीं है, और कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो वो तो कल को उसकी रिटर्न करने की उसके पास बिजनेस ही नहीं है, पैसा लगाएगी कहाँ। तो ऐसी स्थिति में चैप्टर पूरा का पूरे रेगुलेशंस हैं, जिसका नाम है इशू ऑफ कैपिटल, एंड साथ में क्या लिखा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स वाई जेड। यहां पे कोई एक रेगुलेशन नहीं है, आपके पार्ट बी में सिक्योरिटीज लॉज हैं, ना कि एक लॉ है, एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है। फिर उन्होंने कहा जी हमें तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर देने हैं, कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तो कंपनी के प्रमोटर को ही शेयर इशू कर रहे हो, जिसने कंपनी में पैसा लगा रखा है उसी को शेयर दे रहे हो, तो इसके लिए उन्होंने रेगुलेशन बना दिए, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस, नजर आ रहा है। अब उसी के साथ साथ आप अगर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स की ट्रेडिंग करवाना चाहते हो, तो स्टॉक एक्सचेंज ने कहा तमीज से रहना, कि क्या, कि तमीज से रहना, कि कैसे तमीज से, कि हमारा और आपका एग्रीमेंट साइन होगा, कि होगा, कि तुम फेक ट्रेडिंग करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो, फेक ट्रेडिंग, कि फेक ट्रेडिंग कैसे करवा सकते हैं, कि अचानक से खुद ही शेयर को खरीदने लगो, या फिर तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहेगी कंपनी के पास जो पब्लिक के पास नहीं रहेगी, उसके बेसिस पे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, कि बिल्कुल क्या हो सकती है। तो इसके लिए रेगुलेशंस हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, जो कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर रेगुलेशन लगते हैं, और उनको समय समय पे बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। जैसे कि मान के चलिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है, और उसमें कोई नई कंपनी एक्विजिशन कर रही है, कंपनी एक नया एक्विजिशन कर रही है, किसी नई कंपनी को एक्वायर कर रही है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे मार्केट में इन्फॉर्मेशन आते ही। अब क्या हुआ कि कंपनी के इंटरनल लोगों ने उस पर ट्रेडिंग कर ली, शेयर खरीद लिए सस्ते में, कि जब इन्फॉर्मेशन मार्केट में आएगी तो शेयर महंगा हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज बैठा है। जब भी कभी बोर्ड मीटिंग होगी और वहां पे कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन डिस्कस होगी जो प्राइस सेंसिटिव है, इसकी जानकारी पहले आपको बोर्ड मीटिंग के 15 मिनट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की जानकारी होगी कि इस कंपनी में अगर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग होती है, और ट्रेडिंग भी एबनॉर्मल ट्रेडिंग होती है, एबनॉर्मल मतलब कि एक दिन तो 10 शेयर नहीं बिक रहे, अगले दिन 1000 शेयर बिक गए, तो वहां पे पकड़ लिया जाएगा।
तो उसके लिए कौन से रेगुलेशन है? LODR रेगुलेशंस। कई बार कंपनी क्या करती है, पीछे से छुरा घोप देती है, पीछे से छुरा, हाँ, आगे से वार नहीं करती, पीछे से वार करती है। कि पीछे से वार कैसे करते हैं, मान के चलिए कोई एक्स लिमिटेड है और उसको वाई लिमिटेड एक्वायर करना चाहती है, उसने कहा चोर को ना पकड़ो, कि चोर को ना पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ लो, कि ये क्या मतलब हुआ, कि चोर खुद पकड़ा जाएगा, चोर खुद पकड़ा जाएगा। कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक काम करते हैं, अगर वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है तो एक्स लिमिटेड के मार्केट में जो शेयर है ना, मार्केट से शेयर एक्वायर करने स्टार्ट कर दो, मार्केट से। और एक लिमिट से ज्यादा जब आप किसी कंपनी के शेयर एक्वायर कर लोगे तो आपके हाथ पे कंट्रोल आ जाएगा, और कंट्रोल आते ही उस कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लो, टेक ओवर कर लो। लोने का तमीज में रहना कि क्या, कि अगर कभी भी टेक ओवर करना है तो पीछे से वार नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, पीछे से वार नहीं करोगे, आगे से वार करना है, पब्लिक को इन्फॉर्म करना है, पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। 1% से ज्यादा अगर शेयर लोगे तो देयर आर रेगुलेशंस आर देयर, दैट इज अ टेक ओवर रेगुलेशंस। समझ में आई बात? अगर किसी कंपनी को टेक ओवर करोगे तो टेक ओवर के रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। डिफेंसिव बिट्स भी होती हैं कई बार। डिफेंसिव बिट्स क्या होती हैं? जैसे मान के चलिए आपने कहावत सुनेगी होगी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी। मान के चलो एक्स लिमिटेड को एक्वायर करना चाहते हैं, उन्होंने कहा अच्छा, उन्हें पता चल गया कि भैया एक्वायर करेंगे, तो उन्होंने कहा क्या किया, उठा के अपने शेयर्स बायबैक कर लिए। अब बायबैक कर लिया तो शेयर्स मार्केट में बचे ही नहीं, तो कंट्रोल कहाँ से होगा? नहीं समझ में आया? तो बहुत सारे डिफेंसिव मेजर्स हैं, वो टेक ओवर में मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसी तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग पे रोक लगा दी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे रोक लगाई। कई बार कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज के नियम का पालन नहीं करती तो स्टॉक एक्सचेंज से शेयर को डीलिस्ट कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, ग्रुप वन में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। म्यूचुअल फंड CIS, इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अभी जो मैं आपके यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। क्या है बच्चों? सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया का, पहले तो आपको सेकेंडरी मार्केट का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के तीन पिलर होते हैं, कौन कौन से? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज अ इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ मनी मार्केट, सेकेंड वन इज अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी मार्केट। कोई सी भी हो जाती है, क्यों, वो क्यों करवाएगी अपने आप को लिस्टिंग? उसको तो लिक्विडिटी चाहिए ही नहीं, सिलेक्टेड लोग है, 200 मेंबर है, तो उसमें क्या लिक्विडिटी मेंटेन करेगी? लिस्टेड कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है बताइए, लिस्टेड कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। सबसे बड़ा फायदा लिस्टिंग का यह है कि जो भी कंपनी में शेयर एक्वायर करता है उसे ये लगता है कि अगर मैं आज इस कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ, 1,00,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ और कल मेरा मन है मुझे वापस लेने, तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे होती है लिक्विडिटी ज़्यादा? लिक्विडिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि भैया वो चाहता है कि मुझे इन फ्यूचर अपने पैसे निकालने हैं, तो फटाफट से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपने शेयर को सेल कर देगा, और सेल कर देगा तो उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वहाँ पे उसे बायर को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसे ढूंढना नहीं है, सिर्फ अपने शेयर्स को बेचना है विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक ब्रोकर। ऐसा हो सकती है SME प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में क्या कीड़ा अननेसेसरी, वैसे शेयर के ट्रांसफर करने पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, तो स्टॉक एक्सचेंज की फीस भी तो हैवी होती है। नहीं नहीं समझ में आया, आगे ना, नहीं आई, उसमें प्लेटफॉर्म्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के भी अलग अलग, ठीक है, हाँ। अब देखिए इसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में इन्होंने सबसे पहले कहा जी डेवलपमेंट बता दीजिए, हालांकि कभी भी कोई डेवलपमेंट पढ़ाता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। आपने देखा होगा जब चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो वहां पे एक नदी थी जिस नदी में लड़ाई हुई थी और हमारे बहुत सारे सैनिक गिर गए थे, याद है आपको?
उस नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें बर्फ जमा रहता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट था चाइना का, इंडिया और चाइना का एक रास्ता जा रहा था जिस पैंगोंग, आई थिंक पैंगोंग के नाम से ही था, ठीक है। तो वहां से जब निकल के जाते तो हमारे यहाँ जो व्यापार होता था ना वो उसी रास्ते से होता था, उसी रास्ते से व्यापारी जाते थे। पुराने टाइम में तो बच्चों ऐसा भी होता था कि व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, शिप तो था ही था, बस भी चलती थी एक लंदन के लिए, लंदन के लिए, पुराने टाइम की मैं बात बता रही हूँ, उस कंपनी का नाम मैं भूल रही हूँ, हाँ बस चलती थी, अंग्रेजों के टाइम की बात कर रही हूँ, बस जाती थी बाय रोड। अब सोचो वो कैसे, कैसे बहुत सारे लोग जाते हैं लंदन, कुछ बहुत शौकीन लोग होते हैं जो गाड़ी लेके जाते हैं, उसके लिए अलग अलग एक कंट्री से थोड़ी ना कई कंट्री से होके जाना पड़ता है, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कंट्री से निकल के जाना पड़ता है, बोलते ना सात समुंदर पार पीछे पीछे, तो वो ऐसे नहीं कि सीधा लंदन पहुंच जाते हैं, उसमें टाइम लगता है बाय रोड भी, और वो अलग 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 जगह से जाया जाता है। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम व्यापार की बात करते हैं, तो समुद्र जो है, शिप जो है, हमारे देश से जो बहुत सारा सामान लेके गए हैं, सोना लेके गए हैं अंग्रेज, बहुत सारी चीज़ें लेके गए हैं, वो भी शिप के माध्यम से ही गई हैं। शिप एक सबसे चीपेस्ट मोड होता है ट्रांसफ़र करने का, प्लेन से भी सस्ता शिप होता है, पता होगा ना आपको, शिप से सबसे सही तरीका होता है सामान को ट्रांसपोर्ट करने का, एक चीपेस्ट मेथड होता है। अब उसी के साथ साथ वैसे तो ट्रेन भी होती है, लेकिन ट्रेन वहाँ पे अगर सुविधा नहीं है तो शिप बेस्ट ऑप्शन है। अब शिप कहाँ चलता है, पानी में, बचपन में पढ़ा होगा, शिप कहाँ चलता है, पानी में। अब पानी होगा तभी तो शिप चलेगा, और पानी होगा तभी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो आप देखो जितने भी समुद्र के किनारे सिटीज़ हैं वहाँ पे बिजनेस हब है, चाहे वो गुजरात ले लो चाहे वो मुंबई ले लो, आप कभी भी नोटिस करना इस चीज़ को, क्योंकि चीपेस्ट मेथड होता है, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं सामान को ट्रेड करने के। तो यहाँ पे भी जो ट्रेडिंग की बात हुई, अगर BSE और NSE की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, वो भी दोनों मुंबई में ही हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट सबसे पुरानी मार्केट मानी गई है, इतिहासकार ये कहते हैं ये बहुत पुरानी मार्केट है, ये आज की मार्केट नहीं है। 18th century में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांजैक्ट करने आई थी लोन की सिक्योरिटीज़ की, 1830 में ट्रेडिंग अ कॉरपोरेट स्टॉक एंड शेयर्स बैंक कोट एंड प्रेसेस टुक प्लेस इन बॉम्बे। दाउ द ट्रेडिंग वॉज ब्रॉड, दाउ द ट्रेडिंग वॉज ट्रेडिंग वॉज ब्रॉड बट द ब्रोकर्स वर हार्डली हाफ डजन ड्यूरिंग 1840 एंड 1850। इनफॉर्मल ग्रुप, द वर्ड इज यूज हियर, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 22 स्टॉक ब्रोकर्स बिगन ट्रेडिंग अंडर ए बनियान ट्री अपोजिट टाउन हॉल मुंबई। बनियान ट्री मतलब समझ रहे हो, अब कोई बच्चा कह रहा जी बनियान टंगे रहते उसमें, नहीं उसके नीचे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे थे 22 इनफॉर्मल स्टॉक ब्रोकर्स थे। इनफॉर्मल ग्रुप इन मिड 1850 ईच इन्वेस्टिंग दे प्रिंसली अमाउंट ₹1। दिस बनियान ट्री स्टिल स्टैंड इन द हॉरी मैन सर्कल पार्क मुंबई इन द 1860। द एक्सचेंज फ्लरिश्ड विद 60 ब्रोकर्स, मतलब फिर उसके बाद कितने ब्रोकर आ गए, 60 ब्रोकर्स। और फिर आगे कहते हैं जी फिर स्टार्ट हुआ शेयर मानिया, क्या स्टार्ट हुआ, शेयर मानिया इन इंडिया बिगन विद द अमेरिकन सिविल वार ब्रॉक एंड द कॉटन सप्लाई फ्रॉम US टू यूरोप इज स्टॉप्ड। जब लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग क्या हो जाती है, बैन। फर्दर ब्रोकर्स इंक्रीज 250, लेकिन हमारे देश के अंदर ब्रोकर कितने हो चुके थे, 250। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टॉक ब्रोकर ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन्होंने बनाई एंड वॉज फॉर्मली ऑर्गेनाइज एज, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन 1956। अब 1956 की बात आ गई, 1956 की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या ही चीजें हैं, हमारा देश आजाद हुआ था, कंपनी एक्ट 1956 था, और SCRA एक्ट भी 1956 में ही आया था जो कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, क्या किया जा सके, रेगुलेट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, अरे यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री अंडर SCRA,
सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज गिवन रिकॉग्निशन एज स्टॉक एक्सचेंज अंडर एस सी आर इन द अप्रैल 1993. मतलब अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और बीएससी के बाद फिर क्या आया, एनएससी. एनएससी फर्स्ट ड्यूमेटलाइज स्टॉक एक्सचेंज. ड्यूमेटलाइज का मतलब होता है जहाँ पे जो प्राइवेट ओनरशिप है, ओनरशिप जो है वो मैनेजमेंट से अलग हो जाती है, तो उसे डीम्यूटलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डीम्यूटलाइजेशन. एनएससी कमेंस्ड ऑपरेशन इन होलसेल डेट मार्केट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन कैपिटल मार्केट फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द ईयर 1994. एनएससी ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग डीमेटलाइज ट्रेडिंग इन इंडिया, और ये भी फिर डीमेट में आ गए. फाइनली इन द ईयर 1991 हमारे देश की रूपरेखा ही चेंज हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद तो सब्सटेंशियल चेंज हुआ हमारे यहाँ पे, और दीज रिफॉर्म्स कैरीड आउट ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट. फिर उसके बाद तो बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से की गई कि भैया अब लोगों का इंटरेस्ट जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो रिपोज करो, विश्वास जीतो. कि क्यों? तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर होकर स्टॉक में पैसा लगाएंगे. अगर उनका विश्वास नहीं जीत पाओगे तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. और यहाँ पे उद्देश्य ये रहा उसके बाद कि अब हमें यहाँ पे मेंटेन करनी है मार्केट एफिशिएंसी, नंबर टू ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया की स्टॉक मार्केट को चलाना. सेबी की एक अहम भूमिका रही. आप अगर सेबी एक्ट को भी देखो, इतिहास में जाओ तो 1992 में आया. सेबी एक्ट 1992 है, SCRA एक्ट 1956 है. मतलब हमारा देश अब कहने लगा जी अब हम आज़ाद हो गए हैं, और अब हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे बिजनेस उभरे, हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट आगे बढ़े, हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने आप को चलाएं. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करना चाहते हो, हालांकि हमारे देश को बहुत बड़े बड़े झटके भी लगे, हर्षद मेहता स्कैम ने एक बहुत नेगेटिव इमेज इंडिया को दी, दूसरा सत्यम स्कैम ने एक बहुत नेगेटिव इमेज इंडिया को दी, और इससे सीखने को भी मिला. सीखने को क्या मिला? इससे हमारे कंपनी एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे क्लास एक्शन सूट की मैं बात करती हूँ, बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं. जब ग्रुप टू की बात करते हैं तो हम थोड़ा एडवांस भी चीज़ें बता सकते हैं. लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि आज की अगर मैं बात करूँ, आज आपके यहाँ पे 100 नंबर में तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड, चाहे वो SCRA एक्ट हो, चाहे वो सेबी एक्ट हो, चाहे वो डिपॉजिटरीज एक्ट हो, चाहे फेयर ट्रेडिंग ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशंस हो, चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या CIS हो, ये सब चीज़ें आपको 100 नंबर में पढ़ाई जा रही हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ का ना लॉजिक बताओ कि ये क्यों है. अब मुद्दा ये SCRA एक्ट क्यों आया, इसके पीछे क्या लॉजिक था बताओ. SCRA एक्ट इसलिए आया कि भैया स्टॉक एक्सचेंज है. पहले क्या था, स्टॉक एक्सचेंज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी. अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो वहाँ पे वही ऑनरशिप है, उन्हीं वही मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो कभी भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो सकती थी. इन्होंने कहा ऑनरशिप अलग करो और मैनेजमेंट को अलग करो. फिर ऑनरशिप अलग हुई, मैनेजमेंट अलग हुआ, स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर हुई एज ए कंपनी एक्ट, कंपनी बनाई गई फॉर्मल तरीके से, और उसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशन. जैसे एक एक्ट तो इसीलिए डिज़ाइन किया गया जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि जो स्टॉक एक्सचेंज को ही रेगुलेट करता है, और जिसका नाम है SCRA एक्ट 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1950. अब हमारा उद्देश्य, मैंने कहा जहाँ पर जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतने कम फ्रॉड होंगे. जो बच्चे अपने पेरेंट्स से हर बार शेयर करते हैं वो बच्चे कभी गलत ट्रैक पर नहीं जाते, हर बार शेयर करते हैं. शेयर जैसे कि जाके बताया मम्मी आज मैं सिगरेट पी के आया, सच्ची कह रहा हूँ. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी पर कोई बच्चा बताएगा? नहीं बताएगा. आज मैं यहाँ गए, आपने एक बिस्लरी का ऐड देखा होगा, आपने एक बिस्लरी का ऐड देखा होगा कि वो लड़की अगर बहुत पहले आया था, अब ज़्यादा चला नहीं है, है ना, तो उसमें क्या करता है कि वो लड़की ना हॉस्टल की ट्रिप पे जाती है और वहाँ पे बिस्लरी का पानी पी के उसके मन में इतनी शुद्धता आ जाती है, तुरंत अपने पापा को फ़ोन करती है, पापा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैं हॉस्टल के ट्रिप पे आई हूँ. तो वो ट्रांसपेरेंसी शो करता है, वो दिखा रहा है कि कितना प्योर है, कितना सोल है. तो इट मींस मैं यहाँ आपको ये कहना चाहती हूँ कि कंपनी के अंदर जितनी ज़्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतने ज़्यादा फ्रॉड स्कैम कम होंगे. जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होगा, विंडो ड्रेसिंग होगी, झूठे प्रॉफिट शो होंगे, झूठे लॉसेस दिखाए जाएंगे, पैसा निकाला जाएगा. सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है, यहाँ है पैसे की बात. और जहाँ पैसे की, और पैसा है किसी और का,
और दिया किसी और को जा रहा है, मैनेज कोई और कर रहा है और फंड किसी और के हैं, हिस्सेदारी उन्हें दे दी है। इतना ईमानदार कौन है कि भाई बिल्कुल जो कहूंगा, सच के सिवा? सबसे बड़ा घपला ये है। तो यहां पे चेक एंड बैलेंस लगाए जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, चेक एंड बैलेंस की नियम पालन करना पड़ेगा। अथॉरिटीज का रोल बहुत होता है, रेगुलेशंस बहुत पालन करने पड़ते हैं। जितना ज्यादा पब्लिक का फंड उतने ज्यादा रेगुलेशन। कंपनी प्राइवेट है, देर आर सो मेनी एग्जेम्पशंस, सो मेनी प्रिविलेजेस अंडर कंपनी एक्ट, नो नीड टू फॉलो ऑल सेक्शन। भैया प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, ऑल प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट आर एप्लीकेबल। पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, कंपनी एक्ट तो लगेगा ही, सिक्योरिटी लॉज भी एप्लीकेबल होंगे। एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, यूज स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, बिकॉज सिर्फ ये एक ऐसा, तीनों कोर्स में से ये एक ऐसा कोर्स है जहां पे 100 मार्क्स में सिक्योरिटी लॉज पढ़ाया जा रहा है। अगर कंपनी सेक्रेटरी से एक्सपर्ट की बात पूछी जाती है कि एक्सपर्टाइजेशन इन कंपनी एक्ट एंड सिक्योरिटीज मार्केट, तो ग्रुप वन में कंपनी एक्ट में एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, और ग्रुप टू के अंदर आपको सिक्योरिटी लॉज में, क्योंकि कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट है। हर एक एक्ट की, हर एक रेगुलेशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हम, मैंने अभी आपको बताया था कि LODR रेगुलेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट है, बोर्ड मीटिंग होगी होने से पहले भी बताना पड़ेगा, और मीटिंग खत्म हो जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन फिर देनी पड़ेगी। जब भी आपके यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी आपके यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, जब भी कभी कोई भी नया काम करोगे इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, जब भी कभी कंपनी मर्जर करना चाहेगी इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जब भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्लोज होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब कंपनी की हर एक बात तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है। क्यों? ताकि स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रख सके कि एबनॉर्मल ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, लोगों के साथ गलत तो नहीं होने वाला। ये इसका लॉजिक है। तो इट मीन्स मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर रेगुलेशंस, मोर रेगुलेशंस, मोर ट्रांसपेरेंसी, यस और नो? मोर डिस्क्लोजर्स, मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर ट्रांसपेरेंसी, नो फ्रॉड? यही है ना, जितनी और सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, सबसे ज्यादा करप्शन होने के चांसेस होते हैं जब चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होती। जहां पर चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगती है वहां पे आपके फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री बताऊं, तो हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट है वो पुराने अंग्रेजों के टाइम की, मतलब हम ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश में आई थी तब से ट्रेडिंग चल रही है। पहले इनफॉर्मल वे में चली, फिर फॉर्मल हो गई। फॉर्मल कैसे आ गई? NSE और BSE, जिनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं। अब स्टॉक मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन, जब भी कभी स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, जब भी कभी स्टॉक मार्केट की हम बात करेंगे, तो दो लोगों की जरूर बात होगी, एक स्टॉक एक्सचेंज और एक स्टॉक ब्रोकर। यस और नो? वन इज अ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड वन इज अ स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द स्टॉक एक्सचेंज? क्या है स्टॉक एक्सचेंज? आप अगर दिल्ली में प्रगति, ये वहां पे गए हो, रामलीला मैदान, जाकिर हुसैन कॉलेज, सुना है? दिल्ली में जाकिर हुसैन कॉलेज के जस्ट सामने DSE है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, रामलीला मैदान के जस्ट अपोजिट साइड में, अजमेरी गेट साइड, DSE, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन दिल्ली में तो आप जानते हो, दिल्ली दिल वालों की है, पैसे वालों की नहीं है, दिल वालों की है। पैसे लगाना नहीं चाहते स्टॉक मार्केट में, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, सैटरडे संडे घूमने भी तो जाना है, पैसे बचाने भी तो बहुत है, नहीं? तो इट मीन्स यहाँ पे बात है स्टॉक मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन की। तो जब भी स्टॉक, अभी कुछ नहीं लिखना, मैं जब लिखवाऊंगी आपको बताऊंगी, पहले समझनी है चीज़ें, पहले समझ लो फिर लिख लेंगे। स्टॉक मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ब्रोकर, दो लोगों का पता, दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। वन इज अ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड वन इज अ स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, और एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदला, ठीक है? एक खरीद रहा है और दूसरा बेच रहा है। इसका मतलब स्टॉक मार्केट एक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक मार्केट है। जैसे मार्केट में आप सामान लेने जाते हो, आप वेजिटेबल्स लेने के लिए गए, तो वो आप खरीदने वाले और वहां सामने बेचने वाले बैठे हैं, आप खरीद के लेकर आ गए। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहां पे बायर और सेलर दोनों होते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि लिस्टिंग कराने का बेनिफिट क्या है, अगर कंपनी की लिस्टिंग कराते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है,
उसको बोलते लिक्विडिटी है, मैं जब चाहूंगा अपने पैसे को निकाल लूंगा। दूसरी बात, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की गुडविल एनहेंस होती है, कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन होती है, कंपनी से ज़्यादा इन्वेस्टर जुड़ना चाहता है जब उसे पता है मेरा पैसा ब्लॉक नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग आने के चांसेस होते हैं। मैं भी, आप भी अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे, शेयर्स लोगे, तो ये चेक करोगे आर दे द कंपनी इज लिस्टेड और नॉट। इफ़ कंपनी इज लिस्टेड, वेरी इजी कि यहाँ से मेरा पैसा कभी भी वापस आ सकता है। क्लियर, यू ऑल क्लियर? आगे देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंश्योरिंग लिक्विडिटी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो होता है किस चीज को इंश्योर करते हैं, वो इंश्योर करते हैं लिक्विडिटी को। तो यहां जो मेन थीम रहता है वो क्या रहता है बच्चों, लिक्विडिटी इन द इंटरेस्ट। और लिक्विडिटी किसके इंटरेस्ट में होता है, इन्वेस्टर के। और कंपनी को क्या फायदा है, कंपनी के पास ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे। द स्टॉक एक्सचेंज आर वर्चुअली द नर्व सेंटर ऑफ कैपिटल मार्केट, रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ कंट्री इकोनॉमी एज अ होल। जो पूरी की कंपनी की क्या बताता है, पूरी कंपनी की क्या बताता है बच्चों, हेल्थ। बैरोमीटर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आइदर द कैपिटल मार्केट इज अ नर्व मार्केट, नर्व सेंटर ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। इससे हेल्थ पता चल जाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल इकोनॉमी क्या चल रही है, कंपनी की स्थिति कैसी चल रही है, कंपनी की कंडीशन कैसी चल रही है। एससीआरए का क्या रोल है, एससीआरए का क्या रोल है बताइए कब आई है, 1956 में। क्योंकि जब हमारे देश में ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेडिंग की बात उठ गई कि भैया अब जो ट्रेडिंग होगी वो ऑर्गेनाइज सेंस में होगी, कैसे होगी, तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून होना चाहिए, और ये कानून बना इन द ईयर 1956 में एससीआरए आया। उसने कहा हम बताएंगे स्टॉक एक्सचेंज कौन होगा, अगर स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहते हो तो उसके लिए हम बताएंगे कि क्या, कि डिफाइंड एज ए स्टॉक एक्सचेंज एज क्या, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, यहां पे दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, एक है कॉर्पोरेटाइजेशन, एक है डिमोटलाइजेशन। वन वर्ड इज कॉर्पोरेटाइजेशन एंड सेकेंड वर्ड इज डिमोटलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय द कॉर्पोरेटाइजेशन, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू कॉर्पोरेट फॉर्म, एंड डिमोटलाइजेशन ऑनरशिप को किससे अलग करना, मैनेजमेंट से। तो इन्होंने कहा कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूटिलाइजेशन, मतलब जब कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुई या डीम्यूटिलाइजेशन नहीं हुई। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कहाँ पे, कंपनी एक्ट 2013 अंडर अ स्कीम ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेटाइजेशन। एक्चुअली इनकी स्कीम आई थी, इन्होंने कहा था जो भी स्टॉक एक्सचेंज है ना सबको कंपल्सरी कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करना पड़ेगा, तो अगर उसी स्कीम से पहले है तो वहां पे इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, अनइनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, लेकिन इस स्कीम के बाद है तो कंपलसरी क्या है, कॉर्पोरेट फॉर्म में ही है। तो इन्होंने कहा अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल द बिजनेस ऑफ व्हाट, कंट्रोल द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज, डीलिंग इन सिक्योरिटीज। क्लियर, यू ऑल क्लियर? हाँ बेटा, इसका बेनिफिट ये है कि मैनेजमेंट अलग से है और जो ऑनर्स हैं वो अलग है, तो उनका जो एक्चुअली जो मैनेजमेंट में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो पर्सन होंगे एक तो उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, जरूर थोड़ी ना जिसने पैसा लगा रखा है वो भी, और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास नॉलेज है उसको चलाने के लिए। तो कंट्रोल दूर किया था, जैसे कंपनी फॉर्म में होता है शेयर होल्डर्स का डे टू डे अफेयर्स में, देखो मेरे पास अगर पैसा है तो जरूर थोड़ी मेरे पास टाइम हो, तो हम उसके लिए अलग से पर्सन अपॉइंट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली मैनेज कर सके। इसलिए कॉर्पोरेट का ज़्यादातर कंपनी से सभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर किसी का कोई काम भी है ना, जैसे मान के चलिए किसी का लाइक कोई ट्रेडिंग का काम है, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे जो है बल्ब बनते हैं जो कि गाड़ी की लाइट में लगते हैं, गाड़ी की लाइट मतलब समझते हो कि बल्ब यूज़ किए जाते हैं,
और वो बल्ब आप छोटे से बल्ब बनाते हो, क्योंकि फैक्ट्री तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की भी होती है। तो आपको अगर कोई कंपनी मिल जाए ना, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, आप खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कंपनी में सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है, पेमेंट हो, ट्रांजेक्शन हो, बड़े लेवल पर काम होता है। तो सभी जो छोटे बिजनेसमैन भी होते हैं ना, वो भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिले वो किसकी तरफ से मिल जाए, कंपनी से मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस होता है, वहाँ पे एक सिस्टम होता है। और जहाँ एक बार बताओ, पार्टनरशिप में क्या दिक्कत है? चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। लेकिन कंपनी में क्या है? एक फॉर्मल तरीका है, अगर बंद भी होगी तो प्रोसेस के थ्रू होगी। लेकिन पार्टनरशिप कभी भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कंपनी, एक कंपनी की जड़ें मजबूत होती हैं, कि अगर बंद भी होगी तो एकदम नहीं होगी कि आज बनी कल बंद हो गई। इट टेक सम टाइम, वाइंडिंग अप प्रोसेसर होगा, जिसका कर्जा होगा। अगर आपने कंपनी के साथ काम कर रखा है और आपका बकाया कंपनी पे है, तो आप कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो जाओगे, क्रेडिटर हो जाओगे, और आपको श्योरिटी रहेगी कि पैसा मिलना ही मिलना है, नहीं? और पार्टनरशिप फॉर्म में जितनी एसेट्स है उतना ही तो देंगे जी, कहाँ घर से, घर की सारा सामान भी दे दिए तो भी नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया, अब क्या करें? तो आपके गए पैसे। लेकिन कंपनी में वाइंडिंग अप प्रोसेस होता है। समझ आ रही है बात? बोलो। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब होता है जो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में काम कर रहे हैं उनको कॉर्पोरेट फॉर्म में, कंपनी फॉर्म में काम करना। और ये SCRA एक्ट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। अब अगला मुद्दा यहाँ पे उठता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, मतलब क्या रोल है स्टॉक एक्सचेंज का हमारी कंट्री के अंदर? क्या रोल है बताइए? सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही आती है। जैसे मान के चलिए आज आपके पास एक्सेस फंड्स थे, आपने उठा के उसके शेयर्स ले लिए। कल मिस्टर ए को अपने बच्चे का एडमिशन कराने से पैसे की जरूरत है, उसने अपने शेयर्स बेच दिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसे पैसे की जरूरत है, उसे लगता है कंपनी में रिस्क है, तो इजी एग्जिट हो सकता है। किसके माध्यम से? स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले पॉइंट में कह रहा है एक्ट एज ए कंटीन्यूअस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। इस वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे, एक्ट इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटीज। इन्वेस्ट क्या कर सकता है? किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। बट इन केस ऑफ एनी रिस्क, अगर उसे लगता है कि किसी भी तरीके का क्या है, रिस्क है, दे कैन एग्जिट। हाउ? कैसे एग्जिट करेगा बताइए, कैसे एग्जिट करेगा? एग्जिट फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड फ्रेशली री एंटर इन विच दे फील सेफ एंड सिक्योर। एक्स कंपनी के शेयर सेल किए, वाई के खरीद लिए, वो किसकी मदद से हुआ? स्टॉक एक्सचेंज। उसी के साथ साथ जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे शेयर्स के प्राइस नजर आते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि कंटीन्यूअस बेसिस पर उनको चेक कर रहा होता है, उनका ध्यान रख रहा होता है, उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहा होता है, उसके साथ मार्केट में फेक ट्रेडिंग को कर्ब कर रहा होता है, यही तो काम है स्टॉक एक्सचेंज का। तो सिक्योरिटीज का जो इवैल्यूएशन होता है कि स्टेबल सिक्योरिटीज कौन सी है, अनस्टेबल सिक्योरिटीज कौन सी है, तो उसके बारे में पता चल जाता है। प्लस अगर ऐसा लगता है कि इस कंपनी के प्रमोटर ने कोई घपला किया है, तो स्टॉक मार्केट की साइट पे आता रहता है कि आप इस कंपनी से ट्रेड ना करें, इस कंपनी में घपला चल रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये कह रहे रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटीज इवैल्यूएशन द स्टॉक प्राइस इंडिकेट द परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है? परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी थ्रू दीज इन्वेस्टर डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क एपेटाइट whether to enter or exit or hold. Stock exchange act as regulator for securities price evaluation of all listed stock. जो वहाँ पर listed companies होती है ना, तो उसकी performance के basis पर उसकी securities की valuation होती है। अगर उनको लगती है, blacklist भी तो कर देती है भैया, stock exchange unlist delist भी तो कर सकती है। उनको ऐसा लगा कि कंपनी मेरे नियम का पालन है या उल्लंघन कर रही है, तो उठा के क्या कर दिया? Delisting कर दी। Yes or no? आगे देखिए, मोबिलाइज सेविंग। ये तो मैं आपको शुरू से ही कहती आ रही हूँ, मोबिलाइज सेविंग कैसे? अगर किसी के पास एक्सेस फंड है और किसी को पैसे की जरूरत है, तो वो ईजिली इन्वेस्ट कर सकता है मार्केट में जाके और अपने पैसे को सेव कर सकता है, रिटर्न ले सकता है। अब कई बार कुछ लोगों के पास पैसे बहुत कम होते हैं। अब पैसे बहुत कम कैसे? पैसे बहुत कम कैसे बताइए?
बहुत कम कैसे? मान के चलिए 5,000 रुपये आपके पास इन्वेस्ट, अरे गरीब नहीं अमीर भी, मान के चलिए किसी की मंथली जो सेविंग है वो 5,000 है। अब 5,000 के शेयर की उसको किसी कंपनी के शेयर की कीमत 2,000 है, किसी की 1,500 है, और उन्होंने लॉट सिस्टम कर रखा है कि कम से कम 10 शेयर लेने पड़ेंगे, तो आप तो चाहकर भी पैसे नहीं लगा सकते ना, तो इसका भी एक जुगाड़ है। और जुगाड़ है म्यूचुअल फंड। क्या है? म्यूचुअल फंड। सही है, म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है म्यूचुअल फंड का, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ म्यूचुअल फंड का। दो एग्जांपल देती हूँ, दोनों से एकदम म्यूचुअल फंड क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए आपका प्लान बना कि भैया जी छुट्टी है 3 दिन की और हमें जाना है घूमने, और हम घूमने जाएंगे सपोज मसूरी, आपने प्लान किया 3 दिन मसूरी में पड़े रहेंगे, ठीक है। उसकी जितनी भी मसूरी के टॉप हिल्स हैं, नत्था टॉप है, ये टॉप है, वो टॉप है, वहीं घूमते रहेंगे पैदल, ठीक है। आपने ऐसा प्लान किया क्योंकि आप बहुत खाली हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अब ऐसी स्थिति में आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि बाय कार जा सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 है बाय वॉल्वो बाय बस जा सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 है मोदी जी ने बहुत अच्छा जुगाड़ कर दिया है दिल्ली देहरादून वंदे भारत से जा सकते हो। यस और नो? ये वंदे भारत क्या प्लेन है? नहीं, ट्रेन है। चौथा एक बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाला है अगले साल आप लोगों के लिए, वो है बाय कार, 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाओगे, आधे घंटे में मसूरी पहुंच जाओगे, 3 घंटे में ऊपर, मतलब ऊपर इन दी सेंस मसूरी। इवन मसूरी घूमने के लिए गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट एक और प्रोजेक्ट चला रही है, देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर रनिंग, कि वहाँ पे रोपवे सिस्टम भी आ रहा है, रोपवे सिस्टम भी चल रहा है वहाँ पे, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ बट होगा, कि गाड़ी नीचे खड़ी करो मसूरी घूमना है, रोपवे से ऊपर चले गए, क्योंकि कई बार मसूरी में जाम हो जाती है, सैटरडे को दिल्ली पूरी चौक हो जाती है, ऐसा लगता है दिल्ली नंबर दिल्ली नंबर दिल्ली नंबर। तो कई बार जैसे मसूरी ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते जाते बहुत ऊपर भी चले जाते हैं, अब बहुत ऊपर कैसे चले जाते हैं वो भी समझो। एक बार हमारे सामने की बात है, हम गाड़ी से जा रहे थे, एक स्कॉर्पियो आई, स्कॉर्पियो बहुत हवाबाजी से चल रही थी वो, और इतनी हवाबाजी से चली कि वहाँ टर्न है, रोड चौड़ी कर दी है लेकिन टर्न तो है ही ना, हील तो है ही, वो बड़े मजे से स्कॉर्पियो चला रहा था वो, ऐसे जैसे कई बार राउंड में लेती होती है कार को, राउंड लेते हैं तो स्पीड में जब होती है तो वो कंट्रोल नहीं होती, और वो जब स्पीड में थी तो वो कंट्रोल नहीं हो पाई, वो चली गई सीधे, वो नीचे गिर गई, हमारे सामने की बात है, ऊपर से नीचे चली गई, नीचे गिर गई। अब भैया नीचे गिर गई तो क्या होगा, दो बंदे थे दोनों खत्म हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है लेकिन स्टिल वो जो चलता है वो तो चलता ही है ना, लेकिन वहाँ से बचने का तो कोई चांस नहीं है, तो इसीलिए आप कभी भी जाओ तो ऊपर ही जाना, बहुत ऊपर नहीं जाना, आराम से चलो। ये एक एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे ना टैक्सी भी चलती हैं, और टैक्सी कभी भी अगर आप जाओ तो टैक्सी के साथ साथ जाओ, स्मूथ ड्राइव होती है, टैक्सी वाले बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, कभी भी वो रैश ड्राइविंग नहीं करते, लेकिन जो कभी कभी घूमने जाते हैं वो तो भाई साहब गाड़ी को उड़ाने की सोचते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से और फिर इधर इधर से उधर से हो जाते हैं। नहीं दिन में आई एम नॉट सेइंग दिल्ली वाले, कोई भी हो सकता है वो। तो अब मैंने कहा कि आपके पास एक रास्ता है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से आप जा सकते हो, एक रास्ता मतलब बाय कार जा सकते हो, आप बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो। क्रक्स में मैं कह रही हूँ, अगर आप पब्लिक कन्वेंस यूज़ करते हो, अगर पब्लिक कन्वेंस यूज़ करते हो तो उसमें आपके कई सारे फायदे हैं। फायदा नंबर 1, आपने अपनी नोटिंग निकाली, बैग में रख के ले गए, यार थोड़ा बहुत रिवाइज करते चलेंगे, नोटिंग पढ़ते जा रहे हो। फायदा नंबर 2, आपने जो पैसे दिए, 400 रुपये का टिकट आपका लगा, आप आराम से बस में बैठ के जा रहे हो, ठीक है। फायदा नंबर 3, आपको हर पॉइंट पे ये नहीं पूछना ड्राइवर से, ये थोड़ी पूछना चाहते हो सही चल रहा है, रास्ता पता है, इधर से नहीं इधर से, इधर से नहीं इधर से, नहीं आपको कुछ नहीं पता, आप मस्ती से गाने सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब आप अपनी कार से जाओगे, जब आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जाओगे, ना तो पढ़ सकते हो ना सो सकते हो, सिर्फ एक ही काम करना है, ड्राइविंग, और नोटिस करना है इस रास्ते से जाम है, एक्स है, वाई है, और थकान भी ज़्यादा होगी और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। यही है म्यूचुअल फंड बच्चों। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जी मेरे पास 5,000 रुपये हैं, लाते जी मेरे पास भी 5,000 लाओ दो, मेरे पास भी 5 दो,
सबसे पैसे लेके और मार्केट में लगा देना। आपको मतलब है सिर्फ रिटर्न से, आपको ये मतलब नहीं है कि पैसा कौन सी सिक्योरिटीज में लगाना है, उसका स्ट्रेस आपको नहीं। ये है म्यूचुअल फंड। अगर आप खुद अपने थ्रू सिक्योरिटीज परचेज करते हो तो यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है, कब लगाना है, क्या करना है, एक्स वाई जेड, सारा स्ट्रेस आपका होता है, यू आर सोल डिसीजन मेकर। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड पैसा दे दिया, बस रिटर्न के बारे में सोचो, अपना काम करो। क्लियर हो गया? तो ये कह रहे हैं कि भैया अब किसी के पास तो पैसे ज्यादा हैं और किसी के पास पैसे कम है, तो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती हैं वो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हैं। क्या बोला मैंने? जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और ट्रेड होती हैं। तो आप वहां से स्टॉक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी क्या ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। व्हेनेवर वी आर स्टडिंग द SCRA एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो वहां पे डिफाइन की गई है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, एंड दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H। सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनी यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड, एनी यूनिट इशूड बाय CIS, ये तमाम चीजें जो सिक्योरिटीज में आती हैं, एंड सिक्योरिटीज आर लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो इवन आपके पास ज्यादा पैसा है तो स्टॉक एक्सचेंज जाइए, आपके पास कम पैसा है तो भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक कैन नॉट इन्वेस्ट, ये देखिए आप जरा, मोस्ट ऑफ द पब्लिक कैन नॉट इन्वेस्ट इन बल्क अमाउंट इन सिक्योरिटी, सो दे कैन इन्वेस्ट इन इनडायरेक्ट वेज। इनडायरेक्ट वेज क्या बताओ जल्दी से? म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दे आर मोबिलाइज बाय स्टॉक एक्सचेंज। जब तक आपको म्यूचुअल फंड का नहीं पता होगा तो आप इसके बारे में भी समझ नहीं सकते। अनेबल्स हेल्थी स्पेक्यूलेशन, वैसे ही देखो है तो सट्टा ही, शेयर तो सट्टा ही माना जाता है, लेकिन सही सट्टा, ईमानदार सट्टा। अनेबल हेल्थी स्पेक्यूलेशन, हेल्थी स्पेक्यूलेशन की मैंने इसलिए बात करी कि सेबी के अपने रेगुलेशंस हैं जो कंपनी पे लागू होते हैं, और ऑनलाइन सर्वेलेंस और ऑफलाइन सर्वेलेंस की पावर होती है स्टॉक एक्सचेंज के पास। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए एक कंपनी की एबनॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है और होती जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज को दिख गया भैया एबनॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, उन्होंने हॉल्ट कर दिया। हॉल्ट क्या कर दिया? ट्रेडिंग टर्मिनल्स जो है ना वो बंद कर देते हैं, हॉल्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, किसी की भी ट्रेडिंग नहीं होती, फिर सबकी बंद कर देते हैं। तो ट्रेडिंग टर्मिनल्स, उसमें आपने देखा होगा जब आपके घर में, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, कई बार आपके घर में जब बिजली का वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा आ जाता है तो MCV नीचे गिर जाती है, बस वैसे ही एक लिमिट से ऊपर जब ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग होती जा रही होती, एबनॉर्मल ट्रेडिंग है। नॉर्मल ट्रेडिंग का मतलब है एक नॉर्मल पैटर्न पे, एबनॉर्मल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा हो रही है, जो मतलब एबनॉर्मल मीन्स वॉट, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इन्होंने बात बोली कि मोस्ट ऑफ पब्लिक कैन नॉट इन्वेस्ट इन, सॉरी, अनेबल्स हेल्थी स्पेकुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो है वो किसको, बिजनेसमैन को एक हेल्थी स्पेकुलेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत है, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट है कि हाँ कि अब उनकी सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करने का काम उनका है। एक तो कंपनी जिसके शेयर्स वहां पे लिस्ट होंगे तो वो लिस्टेड होगी और उसकी तो गर्दन पकड़ रखी होगी, किसने? सेबी ने। उसका तो पत्ता पत्ता पल पल सेबी का कंट्रोल होगा। मोस्ट ऑफ द रेगुलेशंस आर, मेनी रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी, कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंटेड होगा, और ऊपर से फिर स्टॉक एक्सचेंज भी है, तो बिजनेसमैन संतुष्ट होकर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना पैसा लगा सकता है और एक हेल्दी एनवायरमेंट में लगा सकता है। हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्दी का मतलब है कि अगर किसी सिक्योरिटीज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, ड्यू टू द गुड परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक, ड्यू टू द गुड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, कंपनी की हेल्थ अच्छी हो रही है, उसकी वजह से उसके शेयर के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। और फेक ट्रेडिंग में क्या होता है, अनहेल्दी क्या होती है, स्पेकुलेशन, र्यूमर्स होते हैं। र्यूमर्स मतलब बस बेमतलब की बातें चल रही हैं, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ शो ऑफ है।
और जहाँ शॉफ होता है कंपनी में दम नहीं होता। एक बार बताइए, उन्होंने कहा जी कंपनी का मार्केट प्राइस 1500 रुपये है, फेक ट्रेडिंग करवा दी, दिखा दिखा के कि ये भी खरीद रहा है, वो भी खरीद रहा है, इसने खरीद ली, उसने खरीद ली, तो सबको ऐसा लगता है कि जब इतने लोग खरीद रहे हैं तो कल को शेयर के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। आपने भी खरीद ली कि खरीद लूँ कि खरीद लूँ कि मैं भी खरीद लूँ, तू भी खरीद ले, सब ने खरीद लिया। कल को पता चला भैया ये तो जो प्रमोटर्स थे उन्होंने अपने शेयर बेच के वो निकल लिए, पता चला कि जो शेयर 1500 रुपये का था उसकी एक्चुअल कीमत 500 रुपये है, लो भैया जी डूब गए। अब आपका शेयर कोई 500 में भी नहीं खरीद रहा, अब आपका शेयर कोई, सबसे बड़ी दिक्कत पता है इंडिया के अंदर क्या है, मैं बताती हूँ। सबसे बड़ी इंडिया के अंदर दिक्कत है, देर इज नो फॉर्मलाइज कोर्स फॉर स्टॉक मार्केट। हमारे देश के अंदर फॉर्मलाइज स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स नहीं है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप तो एक प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आम आदमी की बात करें उसके पास कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो कैसे अगर शेयर में पैसे लगा लेता है तो पूछता है कौन सी कंपनी में लगाए, इसमें लगा लूँ, लगा ले, तू बता, टिप बता दे, टिप बता दे, टिप बता दे, इससे पूछ, उससे पूछ, और जब पूछ पूछ के आप पैसे लगाओगे तो कभी सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यूट्यूब की हेल्प ले लेते हैं, तो इट मींस मुद्दा ये उठता है कि इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइज कोर्स ना होना, लोगों के अंदर अवेयरनेस ना होना, बहुत सारे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होना, कॉरपोरेट्स में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना, कॉरपोरेट कम और पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा, या हम कह सकते हैं अगर सही टर्म दे तो HUF ज़्यादा और कंपनी कम, ये सब वजह हैं लोगों को प्रॉपर गाइड ना करना, एजुकेट ना करना। कई बार एजुकेटेड लोग भी शेयर में पैसा नहीं लगाते, जैसे कि हमें बहुत सारे लोग हैं शेयर में पैसा, र्यूमर्स बहुत ज़्यादा होना कि शेयर मार्केट में पैसा एकदम डाउन भी हो जाता है, रातों रात अमीर हो जाते हैं, रातों रात गरीब हो जाते हैं, ये भी है ना। अगर आज की डेट में आपको ये बोला जाए कि आप अपने पापा से आज जाके पूछो, उनके पास 10 लाख रुपये हैं, आप उनको ऑप्शन दे दो कि पहला ऑप्शन है आप प्लॉट ले लो, दूसरा ऑप्शन है आप गोल्ड ले लो, तीसरा ऑप्शन है आप शेयर ले लो, वो या तो गोल्ड लेंगे या प्लॉट लेंगे, शेयर नहीं लेंगे आपके कहने से। जब मैं म्यूचुअल फंड आपको पढ़ाऊंगी, यहाँ मैं पढ़ा नहीं सकती क्योंकि बहुत डिटेल में है, चैप्टर भी पूरा कराना होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इन 30 सालों में जिसने गोल्ड में पैसा लगाया उसका कितने गुना हुआ, स्टॉक में पैसा लगाया तो कितना हुआ, सिल्वर में लगाया तो कितना हुआ, और प्लॉट में लगाया तो कितना हुआ। गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर गोल्ड की बात करें वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है। हस्बैंड ने 20 लाख की गाड़ी ली, वाइफ ने 20 लाख का गोल्ड लिया, हस्बैंड की गाड़ी की कीमत 5 लाख और वाइफ के गोल्ड की कीमत 40 लाख, बताओ इंटेलिजेंट कौन। प्लस दूसरा फायदा, जब 20 लाख का गोल्ड पहन के शादी में जाते हैं तो गाड़ी थोड़ी ना अंदर घुसा देते हैं, नहीं गाड़ी तो बाहर खड़ी है ना, लेकिन लेडीज साड़ी पहन के जब 20 लाख का गोल्ड पहन के चलती है तो गोलगप्पे वाला उन्हें बुलाता है, जी आप ही आ जाओ, नहीं आप ही खा लो पहले, तो वहाँ पे है नहीं। हाँ भाई जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे 20 लाख का गोल्ड सब टच करके दे, सोने का मैंने घिस के देख ले, सोने का ही है, कई बार डाउट भी करते ना यार, गोल्ड ही है, गोल्ड ही है, बस इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी ये है कि अगर किसी के दिमाग में आ गई ना बात सही तरीके से तो गोल्ड के साथ सब कुछ गाड़ी सही गायब कर देंगे, बस ये कि इनसिक्योरिटी है, अदरवाइज और सारी सिक्योरिटी है। ये सोर नो, एक बार की बात है, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, दिल्ली में 2011 की, 2011 की बात कर रही हूँ मैं, 2011 में मैं भी ऐसी रास्ते में चल रही थी, मेरे आगे आगे एक लेडीज जा रही थी, अब पीछे से चेन स्नैचिंग वाले आए, तो मैं तो बच्ची थी उस टाइम, इतनी बड़ी नहीं थी कि चेन पहनूं, तो पीछे से बाइक वाले आए, उन्होंने चेन स्नैचिंग करी, उस लेडीज ने कहा ले जा नकली है, ले जा नकली है, वो मुंह पे मार के गए उसके चैन वापस लौट के, ओरिजिनल नहीं नकली थी, वो वापस लौट गया, नहीं उसके ऊपर चेन फेंक के गए, तो ओरिजिनल वो इतने चालू होते हैं, उनको पता होता है, हाथ में लेते पता चल जाता है, उनका सुबह शाम का यही काम है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड चेन स्नैचिंग ब्रैकेट में नहीं। तो इसीलिए गोल्ड में फायदा बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम है रिस्क की, तो जरूरी थोड़ी ना आप गोल्ड की ज्वेलरी लो, आप गोल्ड की ब्रिक्स ले लो, कॉइन्स ले लो,
कुछ भी ले सकते हो। ज्वेलरी में तो एक और भी प्रॉब्लम है कि आप अगर इन फ्यूचर उसे सेल करोगे तो उसमें कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं, मेकिंग चार्जेस, वो लेने में भी जाते हैं और देने में भी जाते हैं, तो ये भी एक है। प्लस कई बार कहते हैं ना कि जैसे मान के चलिए शादी में कोई ज्वेलरी गिफ्ट करी, ठीक है, तो फिर ये कहते हैं जब इसको दोगे तो इसमें से कटिंग होगी, मेकिंग चार्जेस जाएंगे। आप मुझे ये बताओ, 100 में से 2 ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी शादी की ज्वेलरी सेल करते हैं। 99% लेडीज को इतना प्यार होता है ना, पति से भी ज़्यादा ज्वेलरी से प्यार होता है, आप समझो बात को। चाहे वो पहनती ना हो लेकिन प्रेम बहुत होता है। इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है, इकट्ठा करके शादी में एक ही दिन पहन के दिखाने का बहुत शौक होता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मुद्दा ये है कि जो गोल्ड है वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। हमारे यहाँ पे या तो प्लॉट या गोल्ड, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट बहुत कम लोग है। इतनी जो भी जनता है ना, अगर वो उसका कितने परसेंट लोग शेयर्स में पैसे लगाते हैं, मेरे हिसाब से 15% मैक्स बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन 15%। लेकिन अगर ये मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, इफ़ यू आर कंसर्निंग अबाउट US एंड अदर कंट्रीज, 60-80% लोग पैसे लगाते हैं। हाँ, वहाँ गोल्ड पहनेंगे दिखाएंगे किसे? अगर गोल्ड पहन लेंगे तो भाई लॉजिक भी तो समझिए, गोल्ड किसे दिखाया जाता है? रिश्तेदारों को, रिश्तेदार उनके कुछ नहीं है, वहाँ पे रिश्तेदारी थोड़ी होती है, फंक्शन थोड़ी होते हैं वहाँ पे फंक्शन ही नहीं होते हैं। शादियाँ कैसे होती हैं आपको पता ही है? नहीं, जितने का वो वाइट कलर का वो पहनते उतने की तो हमारी लड़की मेकअप करा के आ जाती है, एक महीना पहले से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और पार्लर वाले भी इतने आराम से उसको कंट्रोल में ले लेती है कि तू हीरोइन हो जाएगी एक महीने में। वहाँ 10 बार करते हैं, ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो वो लड़की ये कह रही है भाई हमारे यहाँ होती है एक बार, तो हम पूरी जान लगा देते हैं क्योंकि जो होना है एक ही बार होना है। ये बात भी फैक्ट है, इसमें भी दम है। वहाँ पे तो खैर देखो, जब भी कभी कोई फॉरेन कंपनी बनती है ना, तो यहाँ पे क्या था कि पहले एक दिक्कत आती थी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फादर्स, ग्रैंडफादर्स या मदर नेम। अब फॉरेन के केस में बड़ी दिक्कत आती थी, वो माँ का नाम बताए, पापा का बताए ना, क्योंकि वो वहाँ की जेन्युइन प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको लॉज की भी बताई कि बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे हैं ही नहीं और उनके यहाँ पे हैं। वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बट बहुत सारी चीज़ें तो हमने उनसे सीख ली है, पद्धति ये भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हमारे देश के अंदर देखो, डाइवोर्स शब्द आपने कभी देखा हिंदी में है? हिंदी में नहीं है डाइवोर्स वर्ड, आप देख लो कहीं भी। डाइवोर्स वर्ड हिंदू समाज में है ही नहीं, हमारे यहाँ की ये पद्धति है ही नहीं, लेकिन बनाई गई है। आप देख लीजिए डाइवोर्स की हिंदी बता दो मुझे, है कुछ हिंदी? क्या है बताओ? तलाक उर्दू वर्ड है, इट्स नॉट अ हिंदी वर्ड। हमारे यहाँ तो सीता माता जैसी नारी होती है, पर आप देख लीजिए वो भी एक संघर्ष है, सीख तो उन्हीं से ही मिलती है, संघर्ष की कहानी है ना, कि पति के साथ जंगल में ही चली गई और वहीं वनवास काटा, वहीं पर ही रही। या आज अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो आप समझ रहे हो ना, सब एक जैसे नहीं होते। देखो एजुकेशन, आप देखिए बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी हैं, जो कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ ऑर्थोडॉक्स में लिपट के रह जाइए, लेकिन चीज़ें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। हॉट भी होता है तो कोल्ड भी होता है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती? हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन जहाँ पहले इंस्ट्रक्शन मिल जाए, कुछ रीजंस भी हैं। पहले क्या होता था कि देखो, कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करता है तो वो ये चाहता है मेरी लड़की महारानी बन के रहे और उसे कोई कुछ ना बोले। इतना पैम्पर्ड, अपने बच्चे को सब प्यार करते हैं, पहले भी लड़कियों को प्यार करते थे, ऊपर से तो टपक नहीं जाती थी, पहली लड़कियाँ भी ऐसी आती थी जैसे अब आती हैं। लेकिन वहाँ पर क्या था कि बीच में गैप ज़्यादा था, गैप इन द सेंस, जैसे मान के चलिए हस्बैंड वाइफ की डिस्प्यूट हुआ, आज डिस्प्यूट हो गया, अब डिस्प्यूट होने के बाद जो भाई आएगा वो रक्षाबंधन पे आएगा, रक्षाबंधन के अभी एक महीना है सपोज, एक महीने के बीच में कितनी बार प्यार मोहब्बत, कितनी बार लड़ाई जाएगी? हो सकता है जब भाई आए तब बहुत अच्छी बातचीत चल रही हो, तो भाई को शिकायत थोड़ी ना करेंगे, नहीं समझ में आया? लेकिन आज की डेट में क्या है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, हैंड टू हैंड। अरे कॉल कर देंगे तुरंत मम्मी को, इस आदमी ने मुझे दुखी कर दिया, मैं इसके, आई कॉन्ट सर्वाइव इन दिस फैमिली मॉम,
सिंपल फंडामेंटल वो एडजस्ट ही नहीं करेगी। आप देखो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हो वहाँ भी एडजस्टमेंट होती है ना, बिना एडजस्टमेंट के फाइन बैलेंस शीट नहीं बन सकती। एडजस्टमेंट की गुंजाइश हर जगह होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो एडजस्टमेंट देयर इज़ नो प्रॉपर बैलेंसिंग, येस और नो, कभी कहीं तो कभी कहीं। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट फेसेस होते हैं, हर किसी की लाइफ में फेसेस होते हैं, हर किसी की लाइफ में फेसेस होते हैं। इनिशियल फेस, मैरिज का इनिशियल फेस क्रूशियल होता है, क्योंकि एक और भी रीज़न है। पहले 15 साल की बच्ची की शादी कर देते थे, अब 15 साल की लड़की की शादी कर दी दूसरी फैमिली में, वो प्रॉपरली एडजस्ट हो गई। आज लड़की की शादी 26 साल की हो रही है, उसे सारी बातें पता है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। मेरे घर में ऐसे होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसे होता है, वो साल भर तो ऐसे निकाल देती है, एक साल तक तुम्हारे यहाँ ऐसे होता है, मेरे यहाँ ऐसे होता है। भाई ड्रॉप इट, एग्जिट इट, कम फॉरवर्ड। बिल्कुल इस तरीके से जैसे डिस्प्रिन की गोली पानी में डाल के घुल जाती है, इसी तरीके से एक लड़की का स्टेटस होता है। लेकिन अब आप कई बच्चे सोचेंगे कि मैं अभी इतना पढ़ लिख के ऐसी बातें क्यों कर रही है, ये तो लड़की को दबाने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल नहीं कह रही। जब एक लिमिट से ज़्यादा किसी के साथ गलत होता है तो वो तो एक अलग बात होती है, लेकिन भाई छोटी छोटी बातों को बड़ी क्यों बना रहे हो? आप देख रहे हो आजकल क्या मैसेज जा रहा है हमारे बच्चों को, हमारे समाज को। इसमें सबसे बड़ा लॉस उनका है जो बच्चे हैं, सबसे बड़ा नुकसान होने वाले बच्चों के साथ है। लड़का भी सेपरेट, लड़की भी सेपरेट। आप खुद फील करके देखिए, अगर एक क्षण एक पल के लिए हम अपने आप को उस जगह रखें ना, तो कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता। हमारे लिए खुशी का सबसे अच्छा पल, किसी बच्चे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन जब मम्मी और पापा दोनों साथ होते हैं ना, वो एक एक्सट्रीम ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, उससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती। एक बच्चा सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब उसके माता पिता की लड़ाई होती है, वो उसके लिए सबसे एडवर्स सिचुएशन होती है। लेकिन आज की डेट में क्या दे रहे हैं बच्चों को? यही दे रहे हैं। तो इसीलिए जो आपके जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जो माइंड से स्ट्रांग बच्चे हैं, वो जब एक माता और पिता अलग होते हैं तो बच्चे के लिए भी तो सोच सकते हैं कि इस बच्चे पे क्या बीत रही होगी। जब तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो क्या उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा मॉडर्न, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो चलिए आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमने कहा यहाँ पे अनेबल हेल्दी स्पेकुलेशंस। क्या बोला मैंने? अनेबल्स हेल्दी स्पेकुलेशन। व्हाट आई मीन बाय हेल्दी हियर? द टर्म हेल्दी इज वेरी क्लियर। क्या हेल्दी का मतलब है यहाँ पे? सेफ एंड साउंड। आपने पैसा लगा दिया, शांत हो जाओ जी, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो वो साउंड एंड पीसफुल रहेगा बिजनेसमैन। आगे कहते हैं प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। स्टॉक एक्सचेंज को साफ बोल दिया है सेबी ने कि तेरा काम है इनकी क्या करना। स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स बाय अलाउंग ओनली जेन्युइन कंपनीज टू बी लिस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज। एरा गेरा नथू गेरा, कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। ये नहीं कि कोई भी आ जाएगा, कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकती है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोली, क्या बोली जरा देखना। स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स बाय अलाउंग ओनली जेन्युइन कंपनीज टू बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली जब कंपनी में लिस्टिंग करानी होती है ना, तो उसका स्टेटस चेक होता है, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होती है, देन ओनली दैट कंपनी इज अलाउड टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जब जेन्युइन कंपनीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉड होने के चांस भी क्या हो जाएंगे? कम। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है लाइव स्टूडेंट्स? चलिए आगे चले थोड़ा सा। लिक्विडिटी, कौन नहीं जानता? व्हाट डू मीन बाय लिक्विडिटी? मैं शुरू से यही बता रही हूँ कि आप कभी भी किसी भी समय जब भी चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपने शेयर को बेच के पैसा निकाल सकते हो। एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। कंपनी का जो ट्रेंड है, कंपनी की जो पोजिशन है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो किससे पता चलती है? ग्रोथ, सारी चीज़ें। सोई से बोला जाता है इकोनॉमिक बैरोमीटर एज इंडिकेट्स कंडीशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है 4 मार्क्स का, क्या जो ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज है इज अ नर्व सेंटर और इज अ बैरोमीटर टू मेजर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी? तो आंसर इज येस। आगे फिर ये कहते हैं कि भैया एक्साइज विजिलेंस कंट्रोल ऑन कंपनीज। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया एलओडीआर रेगुलेशंस की मैंने बात करी। एलओडीआर रेगुलेशंस क्या है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस, जिनका काम क्या है? डिस्क्लोजर्स, मोर डिस्क्लोजर्स। अब जब डिस्क्लोजर्स ज़्यादा होंगे तो उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के पास होगी, और स्टॉक एक्सचेंज के पास अगर ज़्यादा जानकारी होगी तो चाहकर भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहेंगे।
अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल्स. आज की डेट में फॉरेन कैपिटल्स के ऊपर भी काफ़ी फॉरनर्स भी इंडिया में आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भैया इंडिया के अंदर फॉरनर्स की इसलिए बात हो रही है कि क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बेसिकली अब यहाँ पे सेफ है, साउंड है और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं चल रही है. तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादातर फॉरनर्स को भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिया जा रहा है. क्लियर? अब थोड़ा सा आगे